फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो मुकाबला है वो मुकाबला है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। वैसे आज सब इलेक्शन के रिलेटेड में बिजी हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो तो काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो आज का जो मुकाबला है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है। तो आज हम कौन सा टीम बनाएं, क्योंकि आज का भी जो विनिंग प्राइज़ है वो 1.5 करोड़ रुपये है। कल काफ़ी लो स्कोरिंग मुकाबला रह गया था, फिर भी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और कैप्टन जो है, कल के मैच में मैंने हसरंगा को बताया, तो हसरंगा 3 नंबर में रहे सबसे ज़्यादा पॉइंट करने में। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें जिनको मैंने कैप्टन बनाया था, वाइस कैप्टन बनाया था, टॉप में रहा, और जो जिन्होंने टीम बनाया था वो विनिंग करा है। रैंक वन में भी बहुत सारे प्लेयर आए, ठीक है, जो टीम मैंने बताया था, क्योंकि भाई जो प्रिडिक्शन करा था लगभग वही चीज़ हो गया। तो आज की प्रिडिक्शन देखते हैं कि आज की प्रिडिक्शन क्या है, ठीक है। तो ओवाल में मुकाबला है, और ओवाल की अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें, बारबाडोज क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, अगर वहाँ की हम बात करें, पिच रिपोर्ट की बात करें, तो पिच जो है वो थोड़ा धीमा पिच है और लो स्कोरिंग पिच है, हाई स्कोरिंग पिच है नहीं। वहाँ गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है, और ख़ासकर स्पिन गेंदबाज को, स्पिनर को काफ़ी अच्छा वहाँ पे मौका मिलता है, विकेट मिलता है, और स्पिनर अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं। तो लो स्कोरिंग मुकाबला यहाँ भी आप लोग को देखने को मिल सकती है। वैसे अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करती है तो इंग्लैंड अच्छी खासी रन बनाएगी। इंग्लैंड अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो 160 के आसपास पहुँच जाएगी, 160 से 180 तक पहुँच सकती है। वहीं अगर स्कॉटलैंड पहले बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो काफ़ी लो स्कोरिंग मुकाबला हो जाएगा। तो हमें कैप्टन वाइस कैप्टन किनको चुनना है, दो विकल्प जो हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं प्लेइंग इलेवन बता देता हूँ कि प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की क्या होगी। तो प्लेइंग इलेवन मैं यहाँ बता देता हूँ, स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, ठीक है। फिलिप साल्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे इंग्लैंड की तरफ से, जोस बटलर जो कैप्टन और विकेट कीपर हैं, फिर विल जैक्स हो गए, जॉनी बेरस्ट हो गए, हैरी ब्रुक हो गए, लायम लिविंगस्टन हो गए, मोइन अली हो गए, सैम करन हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, आदिल रशीद हो गए, रिस टॉपली हो गए। और वहीं स्कॉटलैंड में आए तो जर्ज मुंशी हैं, ऑली हैरिस हैं, चार्ली टियर हैं, रिची ब्रेस्टॉन है जो कैप्टन है, फिर ब्रेंडन मैकुलेन है, ब्रेंडन मैकुलम आप लोग मत समझ लेना, ब्रेंडन मैकुलेन है, और मैथ्यू क्रॉस हैं, क्रिस क्रिव्स हैं, मार्क वेट हैं, क्रिस्टोफर सोल हैं, और साथ में शफियान शरीफ हैं, ब्रेडली कुरी हैं, ठीक करी हैं, ठीक है। ये प्लेइंग इलेवन जो है वो स्कॉटलैंड की है। तो इसमें से हम प्लेइंग इलेवन क्या चूज़ करें, तो स्पिनर में देखो इंग्लैंड के पास एक स्पिनर है, और ये काफ़ी अच्छा स्पिनर है, आदिल रशीद, ठीक है, आदिल रशीद ये अच्छा खासा विकेट ले सकते हैं। आदिल रशीद जो है ये 2 से 3 विकेट ले सकते हैं, और अगर 2 से 3 विकेट लेते हैं तो ये कैप्टन के विकल्प में भी रह सकते हैं और वाइस कैप्टन के विकल्प में रह सकते हैं। आदिल रशीद काफी अच्छा विकल्प है इंग्लैंड की तरफ से। उसके बाद स्कॉटलैंड की तरफ से एक है मार्क वेट, ठीक है, मार्क वेट ये भी स्पिनर है जो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं, और मार्क वेट जो है ये भी 2 विकेट के आसपास निकाल सकते हैं, 2 विकेट मार्क वेट भी निकाल सकते हैं। तो हमें टोटल 11 में 2 प्लेयर यहीं मिल गया, एक आदिल रशीद, एक मार्क वेट, ठीक है, 2 प्लेयर हमें यहीं पे मिल गया। अब आते हैं कि हम अपना पहले 11 लिखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर को लेना है और क्यों लेना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम पहले जो इसमें देखो पिच डिटेल जो है, पिच रिपोर्ट में बताता हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन उस पिच में कोई खास उतना मुकाबला हुआ है नहीं और उतना रिपोर्ट वगैरह है नहीं। अभी इसके आगे जो है वो इंडिया का मुकाबला आएगा, फिर वहाँ हम रिपोर्ट देखेंगे, और हो सके तो इंडिया का जो मुकाबला होने वाला है वो कल होने वाला है, लेकिन उसका भी जो डिटेल है आज शाम तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ लिखते हैं, तो हमें विकेट कीपर में सबसे पहले लिखते हैं, विकेट कीपर में जे बटलर को मैंने चुना है। उसके बाद आते हैं बैट्समैन जे बैरिस्टो हैं, उसके जी मुंशी हैं, विल जैक्स हैं, उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर में एम लिस्ट और सैम करन, बॉल में फिर
चलो प्लेइंग 11 ये मैंने लिख दिया और आई होप अगर आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। अब मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। तो हमने विकेट के बारे में जॉस बटलर को चूज़ किया है और बैट में हमने जॉनी ब्रेस्टो, फिर जिम मुंशी दो को चूज़ किया, एक तीन विल जैक्स को चूज़ किया। ऑलराउंडर में हमने एम लिस्ट को चूज़ किया और सैम करन को चूज़ किया। बॉल में आदिल रशीद, एस शरीफ, एम वेट, आर टॉपली और जोफ्रा अस्टर, ठीक है। ये जो प्लेइंग 11 हमने सेट करा है ये जो है अच्छा खासा भूमिका निभा सकती है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, देखो एक बात बताता हूँ आपको कि स्कॉटलैंड के साथ मुकाबला हर स्पिनर गेंदबाज को ज़्यादा मौका मिलेगा और लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, उतना हाई स्कोरिंग जाएगा नहीं, ठीक है। तो कैप्टन में आप लोग जे बटलर को आप लोग विकल्प देख सकते हो और वाइस कैप्टन में आप लोग अर्चर और रशीद, ठीक है, अर्चर, जोफ्रा अर्चर या आदिल रशीद, दोनों में से वाइस कैप्टन के विकल्प देख सकते हो। ये टीम अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। फिर कैप्टन में एक विल जैक्स भी आते हैं, विल जैक्स को भी आप लोग देख सकते हो कैप्टन के विकल्प में। या मैं दो कैप्टन देने वाला हूँ आप लोग को, एक जे बटलर और एक विल जैक्स, और वाइस कैप्टन दो देने वाला हूँ आदिल रशीद और जोफ्रा अर्चर। ये टीम बनाते हुए तो ये टीम आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस करेगा और ये जो टीम है आपको एक अच्छा खासा अमाउंट विन करा सकता है। बाकी अगर किसी को पर्सनल टीम चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे abkigully@gmail.com, ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो, रोज वीडियो 10 मिनट प्लस चल जाता है, 14 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट चला जाता है, लेकिन आज कोई खास डिटेल इतना मुझे सर्च नहीं करना था जिसके कारण एक शॉर्ट वीडियो आप लोग के सामने आया, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना है, फिर मिलते हैं दोस्त वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।